गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे ऐसे पक्षियों की क्लिप लाया छोटी छोटी, जिनके नाम बताने जा रहा हूँ आपके सामने। है जो किंगफिशर है। अब ये जो पक्षी है मैना, यानी मैना चार पांच प्रकार की होती हैं, जिसका एक अलग से वीडियो मैंने आपको बनाया था। तो मैना पक्षी, ये आ गया डव। दोस्तों, मैं उन पक्षियों को आज आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे एरिया में आज से 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए। पता नहीं क्यों प्रकृति में जानवर कम होते जा रहे हैं। पक्षी हो या वाइल्ड एनिमल हो, उनकी संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो ये जो एक पक्षी है, इसका नाम तो दोस्तों मैं भी नहीं जानता था। मैंने नेट से सर्च किया इसका नाम, रूपोस ट्रिपी बर्ड, और ये हमारे यहाँ जंगल में मिलता है। ग्रामीण एरिया में ये पक्षी बिल्कुल नहीं आता। ये तीतर है, इसकी आवाज़ कई बार मैंने आपको अपलोड की है। अब इसके बाद में जिस पक्षी को, जिस चिड़िया को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये चिड़िया भी एक अजीबोगरीब चिड़िया है। ये आसमान पर गोता बहुत अच्छा लगाती है। ये भी ग्रामीण एरिया में नहीं, बाहर खुले मैदान रहना पसंद करती है। रेनबो बीटर, दोस्तों उड़ती हुई मधुमक्खियों को बहुत अच्छे तरीके से ये पकड़ के अपना भोजन बनाती हैं। इसकी खासियत है उड़ते हुए छोटे कीड़ों को खाना। अगली एक मैना, वाइट मैना, जिसका एक छोटा क्लिप पहले भी आया था। अब मैं दूसरी जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, ये इसका नाम भी मैना है। दोस्तों, ये भी एक मैना है, यानी मैना बहुत प्रकार की हैं इस एरिए में, यानी खास करके एशिया महाद्वीप में मैनाओं की लगभग 15 से 20 प्रजातियां हैं। अब पक्षी जो आपके सामने है, बहुत नाम सुना है आपने दोस्तों, यह है बुलबुल। वीडियो के लास्ट में बुलबुल का छोटा सा बच्चा है, जो हाथ में पकड़ के मैं आपको उसको बताऊंगा। इस वीडियो में है उसका वीडियो, छोटा सा एक छोटा बच्चा था। और ये बुलबुल पक्षी है जो बोलती बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करना बड़ा टेढ़ी है, क्योंकि बहुत धीमी आवाज़ है इसकी। कहते हैं कोयल कूके बुलबुल गाए, तो रियली इसकी आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन स्लो होने की वजह से लोग। अब वो पक्षी आ गया जो आपको खेतों में बहुत आयत पर मिल जाएगा, और वो भी जो ऊजड़ एरिया होता है वहां पर, हरियाली में रहना पसंद नहीं करता ये भुजंग पक्षी। बिल्कुल ब्लैक, चारों तरफ से इसका कोई भी पार्ट्स जो है वो ब्लैक के अलावा किसी दूसरे कलर का नहीं है। तो दोस्तों, भुजंग पक्षी भी एक ऐसी चिड़िया है जो बी ईटर की तरह, ये भी उड़ते हुए कीड़े कीट पतंगों को शिकार कर लेती है। वो उड़ते हुए कीट पतंगों को जमीन पर बैठते हुए को तो खाती है, लेकिन ये उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को भी अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद में छोटे छोटे, बहुत छोटे क्लिप हैं, और लास्ट में जो मेरा वीडियो है उसमें एक छोटा बच्चा दिखाया मैंने, हाथ में है, मेरे में हाथ में पकड़ रखा है, उसको जरूर देखना दोस्तों, बहुत प्यारा है और अच्छा है। और वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस तरीके से जंगल की कुछ भी मेरे को ऐसा लगे अच्छा जो आपको दिखाने लायक हो, मैं जरूर से जरूर उसको अपलोड करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब एक स्लो मोशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में छोड़ के जाता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना।